विद्यालय का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अध्यापक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि सबको, बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल की तरफ रुझान बनाएं और मेहनत करें, तो सरकारी स्कूल में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। मैंने उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक प्राप्त की है और जिले में 1st पोजीशन प्राप्त की है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने महोबा जिला में इंटरमीडिएट में प्रदेश में 7वां स्थान पाओ और जिले में 1st स्थान पाओ। सोनाली वर्मा ने जिले को मान बढ़ाओ। उतनी तो हाई स्कूल में प्रदेश में 10वां स्थान पाकर जिले में टॉप बने रुद्र प्रताप सिंह। 10वीं में बुंदेलखंड के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध चरखारी कस्बा में सरकारी विद्यालय की छात्रा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश में 7वां और जिले में 1st स्थान पाओ है। हाई स्कूल में भी चरखारी कस्बे के छात्र ने प्रदेश में 10वां स्थान पाकर जिले में 1st स्थान पाओ है। चरखारी कस्बे के मोहल्ला नजर मार्केट निवासी पुष्पेन सिंह वर्मा बल्लाए गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। इनने अपने बच्चों की शिक्षा भी सरकारी स्कूल में कराई है और इनकी बिटिया सोनाली वर्मा इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में 7वां और जिले में 1st स्थान प्राप्त करी है। मैंने उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक प्राप्त की है और जिले में 1st पोजीशन प्राप्त की है। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इधर तक पहुँचाने में बहुत सहयोग दिया है। और इसमें मेरे अनिशर और निशा मैम, प्रियंका, आर्या मैम और काफ़ी टीचरों का सहयोग रहा है जिसमें। और मैंने इंटर में 483 अंक प्राप्त किए हैं 500 में। और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज दोगी तुम कि किस तरीके से तुमने तैयारी की है, कैसे पढ़ा? जो बच्चे आजकल मोबाइल में पढ़ते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो क्या मैसेज है तुम्हारा कि और कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं? हम ये देना चाहेंगे अपने भाई बहनों को कि सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और जितना भी पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, यदि आप फोन यूज करते हैं तो उसका प्रयोग पढ़ाई करने में ही करें। जी सर, मेरा एक्चुअली मैं खुद सरकारी टीचर हूं, तो इसलिए मेरा रुझान भी सरकारी स्कूल की तरफ था। बिटिया को मैंने जानबूझकर प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूल में जीजीआईसी में हमने एडमिशन कराया था और वहाँ भी टीचरों ने अच्छा सहयोग दिया। बिटिया ने बहुत मेहनत की है और रिवीजन पर खास तौर से बहुत ध्यान दिया है बिटिया। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये संदेश है कि विद्यालय का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अध्यापक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि सबको, बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल की तरफ रुझान बनाएं और मेहनत करें, तो सरकारी स्कूल में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। उधर दूसरी तरफ कस्बा चरखारी के इस विद्या मंदिर विद्यालय में पढ़ने वाले रुद्र प्रताप सिंह ने हाई स्कूल में 96.83% अंक पाके प्रदेश में 10वां और जिले में 1st स्थान पाके विद्यालय को मान बढ़ाओ है। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चरखारी से पढ़ाऊँ। मेरे 581 नंबर हैं और 96.83% मैंने यूपी में 10वां स्थान प्राप्त किया है। और मेरे गुरुजनों ने इसमें बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा माता का नाम श्रीमती सुनैना सिंह है। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, किस तरीके की तैयारियाँ की आपने, किस तरीके की पढ़ाई की और क्या कहेंगे आप अपने और छोटे भाई बहनों के लिए कि वो कैसे पढ़े? हम यही कहेंगे कि प्रतिदिन डेली रिवीजन करते रहें और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पर दें। प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने अपने पढ़ाई और मेहनत से अपने क्षेत्र और इलाके को नाम रोशन करी है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बोछार के लाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।